सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग अवर डिस्क्रिप्टिव गाइडेंस प्रोग्राम। थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्ट गाइडेंस प्रोग्राम जो है उसको कैसे एक्सेस करना है। तो यहाँ डैशबोर्ड तक तो आप पहुँच चुके हैं, अब डैशबोर्ड को कैसे यूज़ करना है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है बच्चों को। तो जल्दी से देख लीजिए कि जो डैशबोर्ड है उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इस प्रोग्राम में मैक्सिमम हमें आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यह है डिस्क्रिप्टिव गाइडेंस प्रोग्राम CSIR, ASO और SO के लिए। यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, यहाँ तक आपने ज्वाइन कर लिया है। अब देख लीजिए जो नोटिस बोर्ड है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, किसी भी दिन डाउट आता है इंक्लूडिंग संडे, आपके एग्जाम तक संडे को भी मैं अवेलेबल हूँ। अगर कोई भी डाउट आता है तो 6 से 7 का टाइम है, मैं लाइव रहता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो लिखा हुआ है आपको, क्लिक हेयर फॉर लाइव इंटरेक्शन विद योर मेंटर। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर पे, और क्लिक हेयर पे करते ही आप दूसरी विंडो खुलेगी, वहाँ पे आस्क टू ज्वाइन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको परमिशन मिल जाएगी और आप ज्वाइन करके अपना लाइव इंटरेक्शन करके अपना कोई भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर अपना टेस्ट इवेल्युएट करवाना चाहते हैं, आपने अपना टेस्ट लिख लिया है, ठीक है, मॉक टेस्ट लिख लिया, आप उसको इवेल्युएट करवाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे, दूसरी विंडो करेगी, टेलीग्राम का एक चैनल खुलेगा, वहाँ पे अपने को अपने मॉक टेस्ट भेजने हैं और वहीं पे आपके इवेल्युएशनों के रिटर्न भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ होगी, डैशबोर्ड पे स्टार्टिंग में दे रखा है क्योंकि ये चीज़ को आपको करना ही पड़ेगा फिर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ये है कैलेंडर। इस कैलेंडर का यूज़ अभी कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ देखने के लिए है। जब हमारा लाइव मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, तो उस टाइम पे नई वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कैसे यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नीचे की साइड, यहाँ पे प्रारंभ में है हाउ टू राइट वाली वीडियो, ठीक है। तो ये जो 15 वीडियो है, इन 15 वीडियो को देखने से पहले तुम्हें ये वाली वीडियो देखनी है, हाउ टू राइट। तो जब ये वाली वीडियो देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ये जो 15 वीडियो का जो डेटा है उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। इसलिए ये वीडियो हाउ टू राइट, ये YouTube चैनल पे है लेकिन प्राइवेट वीडियो है, सिर्फ जो जिन्होंने ये प्रोग्राम ज्वाइन करा है सिर्फ वो देख सकते हैं। उसके बाद आती है बुनियादी स्टेज, ठीक है। सो बुनियादी स्टेज में क्या है कि जो 15 लेक्चर और जो प्रेसी और लेटर के ये जो 16-17 लेक्चर हैं, ये जो YouTube पे अवेलेबल है, यही लेक्चर यहाँ पे आपको प्रोग्राम में मिलेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जो लिखा है लिंक टू क्लास, इस पर क्लिक करना है। तो ये पहला लेक्चर है किसका, क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा वो वीडियो खुल जाएगी क्लाइमेट वाली, पूरा लेक्चर देखना है। देखो क्लाइमेट चेंज की या कोई भी वीडियो, ये जो 15 वीडियो है इसको अगर स्किप कर करके देखोगे तो इसकी जो थीम है, जो मैं समझाना चाहता हूँ एक्चुअल में, जो कनेक्शन आपके माइंड में बिठाना चाहता हूँ, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। तो जब वीडियो देखो तो उसको स्किप मत करना, पूरा A to Z 1 घंटा दे दो, तुम्हारा फ्यूचर बनेगा, ठीक है। अपने लिए 1 घंटा दे दो, स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये टोटल 15 वीडियो है, 15 के बाद 2 हमारी प्रेसी और लेटर की वीडियो, तो ये 17 की 17 वीडियो आपको देखनी है बिना स्किप करे, ठीक है। अब आता है कि लेट से आप क्लाइमेट चेंज की वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ये वाली क्लाइमेट चेंज हो गई। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो यहाँ लिखा है क्लास PDF, इस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही ये दूसरा वो खुल जाएगा जो व्यू है। दूसरे व्यू में क्या है, यहाँ पे देखो क्लास PDF लिखी है, ये वाली इंग्लिश में है, ठीक है। दूसरी लिखी है ये वाली हिंदी में, जो बाकी जो बची है हिंदी में, क्योंकि हाथ से लिखना पड़ रहा है, तो इस ये भी कल या परसों तक अपलोड हो जाएगी, और कोई और सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हो, बस हिंदी की जो PDF है क्लास वाली वो रह रही है, ये कल या परसों तक अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से डाउनलोड कर लो। इसको डाउनलोड करने के बाद, क्लास PDF की बात कर रहा हूँ, क्लास PDF को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद इसको प्रिंट निकलवा लो, और प्रिंट निकलवाने के बाद जब क्लास देखो तो इसको साथ में रख के क्लास देखना, ठीक है। उसके बाद ये मटीरियल PDF है, ये वाली इंग्लिश में, ये वाली हिंदी में, ठीक है। मटीरियल PDF एकदम अप टू डेट है। तो ये हो गया हमारा, ये क्लास PDF, जो PDF है उसके लिए अलग ये व्यू है, ठीक है। अब दोबारा आते हैं अपने स्टेज टू में, बुनियाद में। अब मैंने देखा आपने अपने प्रिंट निकलवा लिया अपना क्लास PDF, हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी आपका लेक्चर है। उसके बाद आपने क्लास स्टार्ट करी, क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, पूरी 1 घंटे की क्लास देखनी है। 1 घंटे की क्लास देखी, जो भी समझ आया उसको अपने नोट्स में उतार लेना। जो प्रिंट निकलवाया उसके पीछे जो खाली पेज है, एक पेज में एक ही निकलवाना, आगे पीछे मत करना, 4 पेज है, कंजूसी मत करना, ठीक है। तो जो पीछे है उसका खाली स्पेस रहेगा, उसमें क्या करना, जो भी समझ आया तुम्हें क्लास से वहां पे लिख लो, जो भी आइडियाज आते हैं वो वहां पे लिख लो, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद लेट से तुमने लेक्चर देखा और कुछ तुम पे कंफ्यूजन है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का लेक्चर देखा और कुछ चीज है जो समझ नहीं आई, ठीक है, PDF पे लिख लेना अपने जो प्रिंट निकलवा रखी है। उसके बाद जब जैसे ही 6 बजेंगे यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते ही फिर से लाइव इंटरेक्शन वो चालू हो जाएगा, एंटर हो जाओगे, आस्क टू ज्वाइन करना, परमिशन मिलेगी, एंटर हो जाओगे, और उसके बाद जो भी डाउट है वो 6 से 7 में पूछो, ठीक है।
ये हो गया, यही सारा जो प्रोसेस है ये पूरी 15-15 की वीडियो के साथ चलेगा, ठीक है। ये चीज हो गई, आप अब तुमने देख ली एक वीडियो, एक वीडियो की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज देख ली, क्लाइमेट चेंज देखने के बाद क्या हुआ, तुम्हें अब उसका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो पहली वीडियो थी क्लाइमेट चेंज, पहली वीडियो है क्वेश्चन वाली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, क्लाइमेट चेंज का तुमने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ये है पहला वाला मॉक टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद मॉक टेस्ट खुलेगा, मॉक टेस्ट की थीम क्या है, क्लाइमेट चेंज। तो अब क्या होगा कि जो तुमने क्लास में लेक्चर देखा है, ठीक है, पीडीएफ के पीछे जो लिखा है सारी चीजें, लाइव इंटरेक्शन हो गया, सारी चीजें हो गई, अब तुम्हें क्या करना है, अब उसको इंप्लीमेंट करना है, आइडियाज डेटा वगैरह सब चीज तुम्हारे पास है, अब उसे इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंटेशन में देर मत लगाना, ठीक है। जैसे ही क्लास लेक्चर देखा तुमने, आज देखा, कल उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, ठीक है। मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके वही ऊपर सबसे ऊपर वाले पेज पे चले जाओ, यहां पे जाने के बाद क्लिक करो और वहां पे सबमिट करवा दो, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये हर एक उसके साथ करनी है, हर एक उसके वीडियो के साथ करनी है। वीडियो देखी, लाइव इंटरेक्शन करा, उसके बाद मॉक टेस्ट लिखा, इवैल्यूएशन के लिए भेजा, इवैल्यूएशन होके आएगा, जो मिस्टेक है नेक्स्ट मॉक टेस्ट में उसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। ऐसे अगर करोगे तो क्या होगा कि एक स्ट्रक्चर, एक गाइडेड वे में आगे बढ़ोगे, और जब गाइडेड वे में आगे बढ़ोगे तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। इस चीज को याद रखना, गाइडेड वे में आगे बढ़ना है बिल्कुल, कि लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद पीडीएफ में लिखा जो समझ आया, लाइव इंटरेक्शन करा, कुछ नहीं समझ आया वहां पे पूछ लिया, उसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा, इवैल्यूएशन के लिए भेजा, इवैल्यूएशन होके आया, उस जो मैंने लिखा है वहां पे इवैल्यूएशन में कि ये तुम कमियां करते हो, ये तुम्हारे में वीकनेसेस है, उसको थोड़ा इंप्लीमेंट करो अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई यहां तक। उसके बाद देखो, अब तुम जब वो देखोगे, अपना पहला वाला लेक्चर देखोगे, उसमें तुम्हें दिख जाएगा कि क्या क्या अप्रोचेज होती हैं। अब उस अप्रोचेज को फॉलो करने के लिए तुम्हें कुछ आइडियाज वगैरह चाहिए होंगे, तुम्हें अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, वो सारी चीजें कैसे करनी है, वो क्या है, यहाँ पे दिख रहा है कि एसे नोट्स वन और एसे नोट टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उसके हैंड रिटन नोट्स है, जैसे सिनेमा हो गया, हीट वेव, सोशल मीडिया, फेक न्यूज, फ्री स्पीच, मीडिया, साइंस, साइबर क्राइम, वेस्ट मैनेजमेंट, डिजिटलाइजेशन, मोबाइल फोन, और नेक्स्ट में जाओ देखो सस्टेनेबिलिटी में, डाइवर्सिटी, ट्रेन जर्नी, पॉपुलेशन, वुमेन, एजुकेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी हैं सबके हैंड रिटन नोट्स हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो तुम्हें एग्जाम से पहले रिवाइज करने हैं, ठीक है। एग्जाम से पहले तुम पूरा ऐसे नहीं पढ़ सकते, ठीक है, इस चीज को एकदम माइंड में रख लो कि जब तुम्हारा एग्जाम आएगा उससे पहले तुम पूरे ऐसे को बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो तुम्हें क्या करना है कि एग्जाम तक पहुंचने तक अपना जो मटेरियल है खुद अपने हाथ से लिख के तैयार करना है, ठीक है। तो वो कैसे तैयार करना है, वो उसका ये एक स्पेसिमैन है, उसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। यहां से चाहो तो पॉइंट वगैरह को कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपना भी इसमें इंक्लूड करना, ठीक है। तो क्या होगा कि सबके जो एसेज हैं वो एकदम अलग होंगे, किसी का भी ऐसे कॉपी नहीं लगेगा। तो ये क्या है, ये है एग्जाम्पल कि तुम्हें एग्जाम टाइम तक पहुंचते पहुंचते अपने लिए जो गोला बारूद है वो तैयार करना है, यही काम आएगा एंड में, पूरा पूरा ऐसे बिल्कुल काम नहीं आएगा। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे लिख लेते हैं, सोचते हैं कि एग्जाम में उसी वैसे को रिवाइज करेंगे, ये नहीं करना है। ऐसे लिखा, ऐसे जैसे तुमने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का ऐसे लिखा, इवेल्युएट हुआ, पॉइंट्स को लिखना जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं कि ये पॉइंट मेरे को अपने अगले ऐसे में इंप्लीमेंट करने हैं, और उस ऐसे को फाड़ दो, ठीक है, उस ऐसे को दोबारे देखना ही नहीं है, दोबारे फिर नया ऐसे लिखना है हमें, ठीक है। समझे कि जो पुरानी चीज है उसको हमें दोबारे दोबारे वो करना है, प्रैक्टिस करना है। अब जब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा वो सक्सेस आएगा, समझे। ये जरूर कर लेना, ये जो यूज इट एज अ गाइडिंग लाइन है, ये जो लिखा है गाइडिंग लाइट, इसको जरूर कर लेना। क्यों करना है इसको, क्योंकि एग्जाम से पहले सिर्फ यही काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आने वाला। एग्जाम से पहले जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं सब चीज एकदम हमें डार्क दिखेंगी, ये होता है एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले जो तुमने हाथ से लिखा है, जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, सिर्फ वो काम आएंगे। तो जो लेक्चर देखा है, जो लेक्चर की पीडीएफ है, ये सारी चीजें कुछ काम नहीं आएगी, सिर्फ क्या काम आएगा, जो तुमने हाथ से लिखा है। हाथ से ये जो गाइडिंग लाइट वाला जो है ये एकदम उसका एग्जाम्पल है, इसके जैसे ही तुम्हें अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद ये देखो यहाँ पे 27 तारीख से हमारा चालू होगा लाइव टेस्ट वाला टेस्ट, लाइव टेस्ट वाला प्रोग्राम, 10 टेस्ट लेंगे, और बहुत ही जबरदस्त चीज है ये वाली, इस प्रोग्राम की सोल है, एक तरह से आत्मा है इस प्रोग्राम की। कैसे आत्मा है, कि जब हम एग्जाम में जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में जाएंगे, डर लगेगा यार कि आइडियाज नहीं आएंगे, कैसे सोचेंगे, वहां पे टाइम लग जाएगा सोचने के लिए, वो सारी चीजें, वो जो चीजें हैं वो प्रैक्टिस करनी है हमें, ठीक है। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे हम 10 दिनों में। 10 दिनों में हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे,
कि 10 दिनों में सुबह 5 बजे, ठीक है, मैं तुम्हें उठाऊंगा। कैसे उठाऊंगा? मैं तुम्हें 4:30 बजे सुबह मैसेज करूंगा कि भैया उठ जाओ, अब टेस्ट का टाइम हो गया, ठीक है, 4:30 बजे मैसेज करके मैं लाइव आ जाऊंगा। उसके बाद 10 मिनट का हमारा सेशन रहेगा। किस चीज का? 10 मिनट हम करेंगे एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन, सुबह सुबह 4:30 बजे, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में। मेरा तो टारगेट ये है एंशंट की लर्निंग को लेके आना इस जमाने में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सुबह 4:30 बजे उठ के वो करेंगे, एफर्मेशन करेंगे, ठीक है। 4:30 बजे एफर्मेशन करा 10 मिनट का। उसके बाद 5 बजे से पहले, ठीक है, अलार्म चालू हो जाएगा, क्लॉक चालू हो जाएगी रिवर्स वाली, जैसे ही 5 बजेंगे वैसे ही एक अलार्म बजेगा और 5 बजे से टेस्ट हमारा चालू हो जाएगा। 5 से लेके 7 तक का टेस्ट चलेगा, 2 घंटे का तुम्हारा टाइम है, 2 घंटे का टेस्ट चलेगा। 2 घंटे का टेस्ट करने के बाद फिर तुम्हें वही प्रोसेस करना है, उसको इवैल्यूएशन के लिए भेजना है, ठीक है। और अगर जो सुबह नहीं कर पाता, तो कुछ कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका सुबह उठने का मन नहीं करता, लेकिन DSSB ने तो उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था, सुबह मैक्सिमम बच्चों ने अटेंड करा था। और जो सुबह नहीं अटेंड कर पाता उसके लिए रात का टाइम है 9 से 11 का टाइम, ठीक है। तो 9 से 11 में वो अटेंड करेगा और उसके बाद जो मॉक टेस्ट इवेल्युएट होके आएगा उसके अंदर जो जो तुम्हारी वीकनेसेस होंगी, ठीक है, उसको पूरे दिन के अंदर उसको रिवाइज करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको ठीक करो, ठीक है। ये सारी चीज़ हम करेंगे 10 दिनों में। उसके बाद तुम देखोगे कि भैया 10 दिन करने के बाद 11वें दिन जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हें क्या लगेगा कि तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुम लाइव मॉक टेस्ट दे रहे हो, ऐसा तुम्हें फील होगा। और यही एक्सपीरियंस करा था DSSP वाले बच्चों ने, बहुत पॉजिटिव रिव्यू दिए थे इस 10 डेज चैलेंज को, ठीक है। तो ये पूरा हमारा प्रोग्राम रहेगा और इसको जल्दी से ज्वाइन करो, अगर जिन्होंने नहीं करा है उसको जल्दी से ज्वाइन करो। ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ, लेकिन जो PDF दे रखा है PDF के अंदर ही लिंक है, लिंक क्लिक करो, अपने आप को रजिस्टर कराओ और उसी से सारी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ है और अब किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई होप कि सबको समझ आ गया होगा कैसे इसको एक्सेस करना है, कैसे इसका 100% निकालना है इस प्रोग्राम से हमें, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से तैयारी करो और 15 जो मॉक टेस्ट है जल्दी लिख के मुझको भेजो, ठीक है। थैंक यू सो मच।